अस्सलाम वालेकुम जैसा माजिया, अभी मैं मौजूद हूँ लैब के ऊपर और जो काम ये लोग कर रहे हैं अमेजिंग है। अभी मैं 5 टेस्ट करवा के आया हूँ, उसमें CBC है, लिपिड है, LFT है, थायरॉइड है और HbA1c है। तो टोटल जो कॉस्ट पड़ी वो 3,050 रुपये, जो दूसरी लैब में तकरीबन 10 से 12,000 के टेस्ट होते हैं। ये कयूमाबाद पुल के बिल्कुल सामने हैं। आप लोग अगर आजकल महंगाई इतनी है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो खुदा के लिए अगर महंगे टेस्ट डॉक्टर लिख के दे तो परेशान ना हो। या ज़कात का भी एक अलहदा पोर्शन बना हुआ है जिसमें 80% या 100% ज़कात के पेशेंट आके चुके फ्रॉस भी दिखा सकते हैं। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान में इतना अच्छा काम हो रहा है लोगों के लिए। पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ गुड पीपल, और जाते वक्त बात जरूर कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहमद ज़िया, मैं भी बैतुल सलाम लेबॉरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के पास मौजूद हूँ। और यह मैं कुछ टेस्ट करवाने के लिए आया था, और जो टेस्ट थे वो 4-5 टेस्ट थे, और अमेजिंगली जो थे जो रेट्स थे वो माशाल्लाह दूसरी लैब के मुकाबले में बहुत बहुत बेहतर थे। मैंने 5 टेस्ट करवाए हैं जिसके अंदर जो था CBC था, LFT था, लिपिड था, HbA1c था, थायरॉइड था, और ये 5 टेस्ट मुझे कॉस्ट किए हैं अराउंड 3,050 रुपये के। उसके अलावा यहाँ पे ज़कात का एक अलहदा वो भी है कि अगर आप ज़कात के मुस्तकीम पेशेंट हैं वो आके ज़कात के टेस्ट वगैरह भी करवा सकते हैं, तो उसमें भी 80% 70 या बाज़ अवकात 100% तक भी दे सकते हैं, डिपेंड कि उस बंदे की क्या सिचुएशन है। तो बाकी लैब्स अगर जाएंगे तो यही टेस्ट मेरे ख्याल से 8,000-10,000-12,000 इतने तक के होंगे। हम उसके बारे में एक रिसर्च करेंगे, उसको एडअप करेंगे। तो ये कोरंगी की PSO पम्प के जो कयूमाबाद का जो पुल है ये आप देख सकते हैं, और बैतुल सलाम वेलफेयर ट्रस्ट फार्मेसी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, दे आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस महंगाई के दौर में जब लोग चीज़ें फोट नहीं कर पा रहे, और यहाँ पे जो है आप 100 रुपये की OPD भी है, 100 रुपये में आप दिखा भी सकते हैं डॉक्टर्स को। तो अपने मुल्क में ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए हमें जो ये काम कर रहे हैं। तो आई विल अटैच द रिसीप्ट एज वेल फॉर द टेस्ट। बस ये चीज़ है, और जाते लोग एक बात ज़रूर करते हैं कि जो ऐसे लोग उनको अप्रिशिएट करें और पाकिस्तान जिंदाबाद। अम्मान भाई क्या हालात हैं आज? देखते चल खुशगवार मूड में तो हमेशा से होते हैं, आज भी हैं, लेकिन थोड़े से कहीं लग रहे हैं कि आप पे कुछ चीज मिली है, कुछ बताएं कि आज क्या हुआ आपके साथ? अम्मान भाई प्रॉब्लम इज़ कि 2 दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी, और मैं आज टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर एडवाइस में 4-5 टेस्ट, जिसके अंदर LFT था और CBC था और अपना HbA1c था, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल थी, थायरॉइड TSH था। तो ये सारे टेस्ट मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किए, तो मैं गया हूँ टेस्ट करवाने के लिए। मैं पहुँचा हूँ बैतुल सलाम कयूमाबाद के पास, तो टेस्ट मैंने वहाँ से करवाए। अच्छा, जो टेस्ट कॉस्ट किए हैं मुझे 3,050 रुपये के टोटल टेस्ट कॉस्ट किए हैं। और फिर आपको पता है कि मैंने सोचा कि मैं दूसरे लैब से भी कंपेयर करूं कि आया कि इन्होंने मुनासिब लिए हैं या क्या लिए हैं, तो मैं आप सामने कंपैरिजन रखता हूं, आप इसकी तरफ रिव्यू करें। मैं नाम नहीं लिखे, मैंने लैब ए, लैब बी, लैब सी, लैब डी इस तरीके से करके लिखा है। समझने वाले खुद समझ जाएंगे कि इसमें पाकिस्तान की एलीट लैब से तमाम चीज़ें शामिल हैं। ये पेपर आप दिखाएँ, आप पहले फोकस करें, लैब ए की तरफ जाएँ। लैब ए का टोटल अमाउंट कितना आ रहा है टेस्टों का? 13,000। सही है। लैब सी का कितना आ रहा है? 8,950। लैब डी का कितना आ रहा है? 5,640। लैब ई का कितना आ रहा है? 6,770। और बैतुल सलाम का कितना आ रहा है? बैतुल सलाम का आ रहा है 3,050 रुपये। यार तो मेरा ये सवाल बनता है अहमद ज़िया का तहरीक सोच कराची की तरफ से या पूरे पाकिस्तान से सवाल बनता है कि जब ये टेस्ट 3,050 रुपये के कंडक्ट हो सकते हैं, तो ये 13,000 रुपये की जो लैब्स कर रही हैं, तो इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? इस यानी जस्टिफिकेशन के 3,000 का मल्टीप्लाई 4 गुना ज़्यादा वो 12,000 बनता है। ये तो 13,000 13,500 रुपये यानी 5.5 गुना के करीब। यार मजाक है या क्या है? यानी जिसका जो दिल चाहेगा वो यहाँ पे कर लेगा।
और आपने एक बड़ी प्यारी बात की मुझसे आते हुए, मैं उस चीज़ को भी टक करूँगा कि अगर किसी मरीज का इंतकाल हो जाए और वो फीस देने की कैपेबल ना हो, उसके वर्सा वगैरह, तो वो माफ़ कर जाइए। जैसे इंडिया के अंदर एग्जाम्पल कोट की थी आपने, इंडिया के अंदर कोई ऐसी एग्जाम्पल कोट हुई है अभी? अब मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मगर ऐसे जैसा कुछ हुआ है तो जो लोग अफोर्डिंग नहीं है तो उनके साथ ये करना चाहिए। और लैब्स के हवाले से भी गवर्नमेंट को चाहिए क्राइटेरिया मेंटेन करें कि पता हो कि आम आदमी की जिनमें भी इतना पैसा नहीं है वो कहाँ से, वो तो फीसिस का सुन के ही अफोर्ड नहीं कर सकता। राइट नाउ हम अभी इशारे फैसल पे बैठे हुए हैं अदनान भाई और मैं, और स्पीचलेस मॉन्टी के शवारमा में बैठे हुए हैं अभी हम लोग, और चाय का वेट करें कि चाय और शवारमा यहाँ का बहुत अच्छा होता है। तो बस, और जाते वक्त ये चीज़ें मैं इंडक करूँगा, मगर दिल दुख रहा है कि आम आदमी जो है वो टेस्ट करवाने के भी काबिल नहीं है। मगर खुदा के लिए, और मैं सलूट करता हूँ बैतुल सलाम वालों को और उनकी नॉलेज में लाए, मगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर देट, मगर आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि ऐसे पाकिस्तान के हीरे जो छुपे हुए हैं, जो आम आदमी के लिए खड़े हुए हैं जो इदारे, हमें उनको आगे लाना चाहिए। और हम आप जैसे इदारों को सलूट पेश करते हैं, और पाकिस्तान को आप जैसे इदारों पर, आपके इदारों में काम करने वाले लोगों पर नाज़ है और फ़ख्र है। दिस अ मानसिया, थैंक यू।